नमस्कार, हंगामा न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपमा सिंह। वाराणसी में पूर्वांचल राज्य की मांग को लेकर पिछले 35 दिनों से अनशन पर बैठे पूर्वांचल राज्य आंदोलन कार्यकर्ताओं ने अपनी हिंसक रुख अख्तियार कर लिया है। बुधवार के दिन पूर्वांचल राज्य आंदोलन की महिला कार्यकर्ता वंदना रघुवंशी ने कैंट स्थित रोडवेज बस अड्डे पर पहुंचकर वाराणसी लखनऊ वॉल्वो बस में आग लगा दी। वॉल्वो बस में आग लगते ही रोडवेज बस अड्डे पर अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया। आनंद फानंद में बस अड्डे को खाली करा दिया गया। इस दौरान रोडवेज पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लेकर उसे सिगरा थाने ले आई। अपना परिचय बताइए। मैं इंद्रेश कुमार मिश्रा, ग्रामीण डिपो संचालन प्रभारी कार्य देखता हूँ। मैं उस टाइम ऑन ड्यूटी था जब घटना घटी है। यहाँ लगभग घटना है, लखनऊ वाली एसी वोल्वो बस, लखनऊ एसी वोल्वो बस 10 बजे जाने वाली थी। लगभग इसमें कुछ यात्री 10-12 यात्री बैठे थे, एक महिला यात्री बन के भी बैठी थी। उसने बस में आग लगाई और हमने पहले बस में, हम लोग ऑफिस बैठे थे, जब भीड़ धुआं निकला था बस में, तो हम लोग दौड़ते हुए पहले पुलिस चौकी में सूचना दिया। उसके बाद हमने तत्काल अपने यात्री सब यात्रियों के भी आराम से भगदड़ मत चाहिए, भगदड़ चाहिए, सब लोग निकल नहीं पाएंगे। सब यात्री निकल गए, तब तक फायर ब्रिगेड आ गई। एक महिला चिल्लाते हुए बस से बाहर दौड़ती हुई मैदान पर पर्चा फेंक रही थी, जो पर्चा हम वही महिला पर्चा फेंक रही थी। महिला इसका पर्चा है कि हमारे बस में आग लगाई हूँ, मैं पूर्वांचल राज की मांग कर रही हूँ, हमें पूर्वांचल राज चाहिए। महिला पर्चा फेंक थी, बहुत चिल्ला चिल्ला कर थी कि हमने बस में आग लगाई हूँ। लेकिन तब तक हमारे स्टाफ, हम लोग मिलकर जो अगल बगल और प्लेटफार्म बसें खड़ी थी, हम लोगों ने बस उसको हटा दिया कि और बसें में क्षति न पहुँचे और किसी यात्री को हटा न हो, कोई विभाग का नुकसान न हो, किसी यात्री या किसी जनता को कोई परेशानी हो। इसलिए का नुकसान हुआ होगा यह बस के, लगभग हमारे हिसाब से दाम अनुमानित लागत 50-60 लाख होगी। एसी बस थी, वोल्वो बस थी, ये लखनऊ आलमबाग की डिपो की बस थी।